हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं कोमल और आज के लिए लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है इन समर्स में, क्योंकि गाइस हम बाहर जाना नहीं छोड़ सकते। भाई हमारे काम में हम कैसे छोड़ सकते हैं, पर बाहर जाने से आपको क्या होता है, टैन हो सकता है आपको, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम। आप जितना मर्जी मेकअप लगा के जाए बट क्या होगा, आपके फेस पे ग्लो नहीं आता है। और आप मार्केट से लेके आते हैं महंगे महंगे विटामिन सी सीरम, पर उनका भी यूज क्या होता है, क्योंकि यार जब आप में अंदर से ही विटामिन सी नहीं है तो आप में ग्लो अंदर से कहाँ से आएगा। तो आप मेकअप यूज करके भी कोई फायदा नहीं, मेकअप भी वेस्ट करते हैं और अपने पैसे भी। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूँ आपके लिए ऑरेंज फेशियल लेके। आप इसको ऑरेंज फेशियल कह सकते हैं, डी टेन फेशियल कह सकते हैं, विटामिन सी फेशियल कह सकते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर पे सिर्फ एक ऑरेंज को यूज करके अपना पूरा फेशियल कर सकते हैं, और वो भी इतने कम दामों में। क्योंकि गाइज मार्केट में बहुत ही शायद ऐसी चीजें होंगी जो हम बोल सकते हैं कि हाँ वाकई कम दामों पे मिलती है, क्योंकि मोस्टली चीजें क्या होती है इतनी ज्यादा, अगर कोई भी अच्छी चीज आप ले जाते हैं उनका प्राइस ही इतना ही होता है कि हम देख कर सोचते हैं क्या हम ले सकते हैं। तो कुछ ये जो ख्याल है वो आपके में आते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि मैं हूँ टिपटॉप कोमल, आपके लिए लेके आती रहती हूँ ऐसी ही चीजें जो कि आपके लिए फायदेमंद भी हो, अफोर्डेबल भी हो और आप इजिली घर में कर भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और मैं आपको बता दूँ कैसे अपने फेशियल घर में बनाना है और इस्तेमाल करना है और अपने फेस पे लाना है ग्लो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये जो है, मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने ऑरेंज जूस निकाल के पहले ही रखा था इस वजह से ताकि वो दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट 1 टेबल स्पून यहाँ पे लेने वाली हूँ ऑरेंज जूस। और गाइज यहाँ पे एलोवेरा जेल ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि एलोवेरा जेल से आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी। यहाँ पे मैं पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसको भी लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और अब हम इसको क्लीन करेंगे अपना फेस। तो अब मैं क्लीनिंग करने जा रही हूँ, क्लीनिंग के लिए मैंने क्या लिया वो तो आपको पता ही है। आपने लेनी है कॉटन बॉल, और कॉटन बॉल इसमें अच्छे से डिप कर देनी है ताकि जो भी आपका मिक्सचर है उस अच्छे से कॉटन में आ जाए, और आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है, क्योंकि आपके फेस की जितनी भी इम्प्योरिटी है या फिर गंदगी है वो अच्छे से साफ होनी चाहिए। और ऑरेंज क्योंकि वो विटामिन सी जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए कुछ फास्ट करते हैं। गाइस क्लीनिंग हो गई है मेरे फेस की, और मैं जल्दी से अपना फेस जो है नॉर्मल वाटर से वॉश करके अब मैं जा रही हूँ स्क्रबिंग के लिए। तो आइए चलते हैं स्क्रबिंग के लिए। स्क्रब बनाने के लिए आपको फिर से चाहिए 1 से 1 चम्मच या 1 से थोड़ा सा ज़्यादा सा ऑरेंज जूस, और उसके बाद आपको लेना है ये वाइट। आप सोच रहे होंगे वाइट क्या, गाइज ये है चावल का आटा। मेरे पास बाहर का नहीं था इसलिए मैंने इसे घर में बनाया, और आप भी इजिली इसे घर में बना सकते हैं। तो ये मुझे लेना है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून काफ़ी होगा। आपने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप ये देख सकते हैं कि कुछ ये पतला लग रहा है, और स्क्रब जो होता है वो इतना पतला नहीं होता है, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये काफ़ी इसमें चावल का आटा थोड़ा सा और ऐड करने की ज़रूरत है। तो इसमें फिर से मैं एक तो नहीं पर आधा चम्मच चावल का आटा मिक्स करूँगी, क्योंकि ये स्क्रब की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी सी थिक होती है, मतलब अब जो है ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। तो आइए चलते हैं अपना स्क्रब करने। यहाँ पे आपको इसको ऐसे ही यूज करना है जैसे कि आप स्क्रब यूज करते हैं, अपने सर्कुलर मोशन में इसको अपने फेस पे करना है। अब थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं। अब मैं इसको उठाने वाली हूँ घूंघट, और ये देखिए जी हाँ स्टीम के लिए मेरा जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया। आप देखिए इसमें कलर भी कितना अच्छा आ गया। अब मैं स्टीमिंग लेने जा रही हूँ।
गाइस स्टीम लेते हुए मुझे 5 मिनट्स हो चुके हैं और पानी भी हल्का हल्का सा ठंडा हो रहा है। तो गाइस ये मेरा स्टीमिंग हो चुकी है, अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना फेस पैक। तो आइए देखते हैं कि फेस पैक कैसे बनाना है। फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 चम्मच बेसन। बेसन में बहुत सारे गुड़ ऐसे होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और यहाँ पे है ये चंदन पाउडर जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ 1/2 चम्मच इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये चम्मच बहुत छोटा है इसलिए इसको मैं पूरा ले रही हूँ, आप जैसा देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन सामग्री, मेन हीरो है, उसको लूँगी मैं 2 चम्मच, 1 और 2। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। कुछ इस तरीके का आपको चाहिए होगा थिक पेस्ट, क्योंकि फेस पैक हमें हमेशा थिक ही लगाना चाहिए जो कि आपकी स्किन में जाके आपको अंदर से मॉइस्चराइज करे। तो गाइस इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो जो चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फेस पैक लगाना। अपने फिंगर्स की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से इस फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने लिया था बेसन जो कि आपके जो टैन होता है उसको रिमूव करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। और समटाइम्स लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार ये हमारी स्किन के लिए है या नहीं है। अगर आपकी स्किन ऑयली और ड्राई है तो ये आपके दोनों स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम आ गई है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और अब मैंने इसमें यूज़ करा सैंडलवुड पाउडर। गाइस सैंडलवुड पाउडर हमें पता ही होता है कि वो ठंडा होता है, तो अगर गर्मियों में हमारे, आपने कभी कभी नोट किया कि छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं जिन्हें हम घमौरियाँ भी कहते हैं, तो अगर इस फेस पैक को आप अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी कि आपके जो मतलब एक तो पिंपल्स होंगे उनको क्योर करेगा और उनको लाने में भी काफ़ी हद तक कम करेगा कि नहीं होगा। सनटैन को रिमूव करता है, ब्लैमिशेज आ गए, रिंकल्स आ गए उनको दूर करता है, और सबसे अच्छा क्या है कि आपकी स्किन को ब्राइटन करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो गाइस इसमें विटामिन सी है, विटामिन सी ऑरेंज में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जो कि आपकी स्किन को लाइट और ब्राइट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होता है। तो थैंक यू।